सब्सक्रिप्शन की हमारे पास नेक्स्ट वीडियो है, जब आपको 3 साल के सब्सक्रिप्शन दे रखे होते हैं रिसिप्टेंट पेमेंट में। क्वेश्चन कह रहे थे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2016, आपको कैलकुलेट करना है कि कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन जो भी रिसीव होगा आपको ड्यूरिंग ईयर एंडिंग 31st मार्च 2016, इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना आपके पास क्रेडिट साइड में जाएगा, इनकम साइड पे सब्सक्रिप्शन। देखिए बच्चे, आपको रिसिप्टेंट पेमेंट से टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला है 98,000, जिसमें 3 सालों का इंक्लूड है। पिछले साल का 3,000 मिला हुआ है, इस साल का जो मिला है 93,000 और अगले साल का कितना मिला है 2,000। तो जितना भी आपको मिलेगा आप एक ही तरीके से अपने क्वेश्चन को चलाएंगे। कई बार क्या करते हैं हम सिर्फ करंट ईयर का लिख लेते हैं, बेटा वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप एक ही तरीके से सीखो तो वो ज्यादा अच्छा है कि आपको 4 चीजों की एडजस्टमेंट करनी होती है। तो आपको टोटल लेना है 98,000 जितना भी आपको रिसीव हुआ रिसिप्टेंट पेमेंट से, जैसे हमेशा हम लेते हैं। यहाँ पर 3 साल में लिख दिया तो कोई डरने वाली बात नहीं है, 98,000 रुपीज आपको मिले आपने यहाँ लिख दिए। यहाँ पर पढ़ो, क्लब के 500 मेंबर थे, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन, हर पर्सन एनुअल सब्सक्रिप्शन पे कर रहा है कितना 200 रुपीज। यहाँ पर हम लिख देते हैं 200 रुपीज एनुअल सब्सक्रिप्शन आ रहा है। तो 500 को आप 200 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा कि आपको हर साल 1,00,000 रुपीज मिलने चाहिए। इस मेथड की खास बात क्या होती है, अगर आपको मेंबर और हर मेंबर का एनुअल सब्सक्रिप्शन ईच पर्सन का गिवन है तो आप मेंबर को मल्टीप्लाई कर दो जितने भी आपके रुपीज एक पर्सन से मिल रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट इस साल 1,00,000 रुपीज मिलने हैं। क्योंकि हर साल कितना पैसा मिलेगा वो हमें निकालना होता है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है आपका। बट इससे आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बन पाएगी, पूरा करना पड़ेगा तभी आप ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बना सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अगर एक मार्क्स में पूछते हैं कितना रुपया आएगा तो आपको क्या करना है, 500 को 200 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है शुरुआत में 31st मार्च 2015 को आउटस्टैंडिंग था 8,000, ओपनिंग बैलेंस शीट में शुरुआत में हमें किसी से 8,000 रुपीज लेने थे। अब एक बात बताओ, पिछले साल हमें किसी से 8,000 रुपीज लेने थे, पिछले साल का पैसा इस साल कितना मिला है, कुछ लिखा है? यस, यहाँ लिखा है, देखो पिछले साल का इस साल, ये टोटल पैसा 31st मार्च 2016 को मिला है, पिछले साल का इस साल इतना मिला है, इस साल का इसी साल इतना मिला है और अगले साल का इस साल इतना मिला है। टोटल 98,000 इस साल मिले हैं, जिसमें पिछले साल का भी कुछ पैसा इस साल मिला है और अगले साल का भी कुछ पैसा इस साल मिला है। तो 8,000 रुपीज लेने थे, जिसमें इसके अंदर कितने इंक्लूड है पिछले साल के 3,000, तो 8 में से 3 मिल गए। अभी भी आउटस्टैंडिंग कितने हैं आपके पास, आउटस्टैंडिंग 14-15 के 5,000 अभी भी आपको लेना बाकी है। जैसे बेटा हम क्या करते हैं, हमें मान लो किसी से 10 रुपीज लेने थे, 10 में से इस साल आपको कोई पर्सन पिछले साल के 3 रुपीज देके चला गया, तो 10 में से 3 मिल गए, तो अभी भी कितने आउटस्टैंडिंग रहेंगे करंट ईयर के एंड तक, 7 रुपीज। तो ऐसे हम इसलिए माइनस करके 8 में से 3 को माइनस करके हम 5,000 यहाँ पे दिखा दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है आपके पास अगले साल का पैसा इस साल मिला था 2,000 जो कि इसमें इंक्लूड है, तो अगले साल का पैसा थोड़ा ना लेना होता है हमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहता है इसी साल का पैसा होना चाहिए, चाहे मिला है चाहे नहीं मिला। तो अगले साल का पैसा कितना मिला है आपको जो इस साल में इंक्लूड है, क्लोजिंग एडवांस, कहीं भी ओपनिंग एडवांस की आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर ओपनिंग एडवांस की इंफॉर्मेशन नहीं है तो बेटा उसे नील ले लो, ठीक है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को आप नील नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ पैसा जो है, देखो 98 में से 3 गए, कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 95 में से 2 गए 93, तो 93 और 1,00,000 में कितने का डिफरेंस आ रहा है 7,000, तो 7,000 रुपीज आपको नहीं मिले होंगे। आप ये लेट करके चलोगे, जब भी एजम्पशन माननी होती है अगर दो चीज नहीं गिवन होती है ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में से, तो आप ओपनिंग एडवांस को नील मानोगे, इसको नहीं मानोगे। ये एजम्पशन हमने लेके चलनी है सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन के लिए। तो आपको क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग फोर, इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना निकल के आ गया 15-16 का, आउटस्टैंडिंग इस साल का 4 है, इस साल का कितना है 7,000, तो आज तक आउटस्टैंडिंग कितना हो गया टोटल 12,000। एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग कुछ नहीं दिया,
क्लोजिंग गिवन है एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना गिवन है आपको क्लोजिंग 2000, तो हमने ये यहाँ लिख दिया। बच्चों को ध्यान रखना है, अगर आपको एक ही तरीके से सीखना है तो आप टोटल लिखिए, उसमें से जितना पैसा इस साल मिल गया है वो माइनस कर दीजिए, पिछले साल का 8 में से 3 मिल गया था तो हमने 5 लिख दिया। अगर आप डायरेक्ट 93 लिखेंगे तब आपको इधर देखना पड़ेगा बार बार कि 8 में से 3 मिल गया तब आप 5 लिखेंगे, नहीं। इसलिए आप एक ही तरीके से सीखिए, टोटल लिखिए, जितना मिल गया उसको डिडक्ट कर देंगे, 8 में से 3 मिल गया तो अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है 5000। ये तरीका आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है बच्चे। अगर आप टोटल लिखना चाहते हैं 93 में से 1 लाख गए तब भी डायरेक्ट 7000 आ जाएगा, बट फिर आप इसको निकालने में कॉम्प्लिकेशन में आ जाएंगे, 5000 कैसे आ जाएगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट वीडियो हमारी सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन की लास्ट वीडियो रहेगी, उसको देखिए और शुरू से लेके एंड तक जो भी हमने सब्सक्रिप्शन की वीडियो डाल रखी है अगर आप ध्यान से सुनेंगे तब आपको सब्सक्रिप्शन का टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा बच्चे।